हेलो, दिस इज काशी। वेलकम बैक टू माय चैनल काशी होम डेकोर एट हियर। तो आज के इस वीडियो में हम मिक्स मीडिया बॉटल आर्ट बनाना सिखाएंगे। तो फिर स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। लिया है हमने एक लॉन्ग नेक वाइन बॉटल और बॉटल को कवर करने के लिए यूज करेंगे टॉयलेट पेपर और यहाँ लिया है व्हाइट ग्लू। इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर ब्रश की हेल्प से बॉटल पर लगाते हुए टिश्यू पेपर को इस तरह से स्टिक करते जाना है और इसी तरह से पूरी बॉटल को टिश्यू पेपर से अच्छे से स्टिक कर देना है। इसे यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिया है। बॉटल पूरी तरह से सूख चुकी है। अब यहाँ करेंगे ब्लैक जैसो से पेंट। ब्लैक जैसो से पूरी तरह से पेंट करने के बाद बॉटल को सूखने के लिए छोड़ा है। यहाँ हम बॉटल पर इस तरह से जिप लगाएंगे। इसे एक पुराने पर्स से निकाला है। इसे पर्स से निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, लेकिन इसका रनर इतना खूबसूरत था कि हम इसे छोड़ नहीं पाए। अब इस जिप को हॉट ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से स्टिक कर देना है। अब टिश्यू पेपर को फोल्ड करके जिप के दोनों साइड में स्टिक किया है। हॉट ग्लू गन की हेल्प से छोटे छोटे स्टोन को स्टिक किया है। यहाँ हम क्ले से बने गियर का यूज कर रहे हैं। आप कोई भी कोक के कैप को फ्लैट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ हमने मोल्ड से बनी चेन का यूज किया है। आप किसी भी ओरिजिनल चेन का यूज कर सकते हैं। ये चेन होममेड क्ले से बनाई गई है। वीडियो हमारे चैनल पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि बॉटल पर लगाई जाने वाली सारी चीजें वेस्ट चीजें हैं, तो बस हमको हमारे घर में पड़ी हुई इसी तरह की वेस्ट चीजों का यूज करना है। ये जरूरी नहीं कि जो शेप और डिजाइन की चीजें मेरे पास हैं वो आपके पास हो सकता है आपको आपके घर में इससे भी सुंदर और अलग अलग डिजाइन की चीजें मिले, तो आप उसका यूज अपनी बॉटल पर और भी खूबसूरत तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो क्ले से कुछ कुछ डिजाइन बनाकर भी बॉटल पर लगा सकते हैं। यहाँ हमने बटन, चेन, स्क्रू, नट बोल्ट, बकल, बीड्स, घुंघरू, लेस और छोटे छोटे फ्लावर का भी यूज किया है और ये सब वही वेस्ट चीजें हैं जिसे हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। मैंने उन्हीं सभी चीजों का यहाँ पर यूज किया है। अगर आप भी इस तरह की बॉटल बनाने का इरादा रखते हैं तो आज से ही छोटी छोटी चीजों का कलेक्शन शुरू कर दीजिए। दिवाली नजदीक है, सफाई का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप जब सफाई करेंगे तो उसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बॉटल क्राफ्ट में काम आने वाली है, तो फिर आप छोटा सा बॉक्स लीजिए, उसमें अपना कलेक्शन करना शुरू कर दीजिए। तो फिर लीजिए, हमारी बातों बातों में आधी से ज्यादा बॉटल तैयार हो चुकी है। बाकी रखी चीजें भी हम इस पर पेस्ट कर देते हैं। चाहे तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहां पर काशी होम डेकोर आइडिया के नाम से हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।
बॉटल पर स्टिकिंग का काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हम इस पर करेंगे ब्लैक जैसो से पेंट। यहाँ पूरी बॉटल को ब्लैक जैसो से कवर कर दिया है। बॉटल को पूरी तरह से सूखने के लिए छोड़ना है। अब हमने यहाँ लिया है मेटेलिक ब्रोंज कलर। अब इसे बॉटल पर ड्राई ब्रश मेथड से अप्लाई करना है। इसके लिए हमने कलर को प्लेट में निकाला है और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ब्रश में लगाया। इसके बाद टिश्यू पेपर पर रब करके एक्सेस कलर को निकाल दिया और बहुत ही लाइट हैंड से बॉटल की डिटेलिंग पर अप्लाई करना है और अपनी पसंद के अनुसार उसे 2 या 3 कोट में हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक कोट सूख जाने के बाद ही हमें दूसरा कोट करना है। हमने यहाँ मेटेलिक कलर को कोड से पूरा किया है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बॉटल आर्ट एंड क्राफ्ट पर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे चैनल पर किसी और तरह का बॉटल आर्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके सजेशन जरूर दीजिए। ड्राई ब्रश मेथड अप्लाई करते समय हमें इस बात का ख्याल रखना है कि ब्रश पूरी तरह से ड्राई रहना चाहिए। मेटेलिक कलर के 2 कोट पूरे होने से अब इसकी डिटेलिंग अच्छे से नजर आ रही है। अब बॉटल का काम लगभग पूरा हो चुका है। ये है हमारी बॉटल का फाइनल लुक। तो जाते जाते कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।